हाय व्यूअर्स, क्या हाल है। एक तो इन एक्टर्स के नाम मुझे समझ में नहीं आते। अब ये फिल्म में इसका नाम है या फिल्म किसी मूवी का नाम है, तो कोई बात नहीं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉस ऑफ अट्रैक्शन, ये 2023 का ड्रामा है, ये थाई ड्रामा है और इसके 8 एपिसोड है। इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। इसके भांजी का मर्डर हो जाता है और वो उसे सॉल्व करता है। माय लकी स्टार, ये ड्रामा भी काफ़ी नया है, इसके 16 एपिसोड हैं। और टू सर विथ मी, ये ड्रामा भी 2022 का है और ये इसका फर्स्ट ड्रामा है और ये काफ़ी मशहूर हुआ था। इसके 17 एपिसोड है और ये ड्रामा आपको कम से कम एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। व्हेन द स्काई फॉल्स, ये 2022 का ड्रामा है, इसके 13 एपिसोड है और इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। माय नेम इज़ बॉसबा, तो आप इस ड्रामे को देखिएगा ज़रूर। इसके 16 एपिसोड है और ये ड्रामा भी काफ़ी मशहूर है। मैं आपके लिए हमेशा मशहूर और अच्छे ड्रामास लाती हूँ और ये एक्टर तो काफ़ी फेमस है और आपको कम से कम इनके एक तो ड्रामा आपको देखना ही चाहिए। और जिस ड्रामे में लव ट्रायंगल है तो वो ड्रामा तो कोई से भी कमाल के होते हैं। इसके 23 एपिसोड है और ये ड्रामा तो आपको देखने चाहिए। इसमें सस्पेंस काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। मियाँ, ये 2018 का ड्रामा है, इसमें इसका मेन रोल है। इसके 28 एपिसोड है और ये ड्रामा काफ़ी अमेजिंग है, आपको कम से कम देखना चाहिए। इसके जो टैग्स है वो मैंने दे दिए हैं। ये स्नेहा जो है काफ़ी सीरीज है तो इसका नाम भी मैंने दे दिया है। ये सीरीज हाउस ऑफ द वीनम, ये हिस्टोरिकल ड्रामा है और ये 2018 का है, लेकिन ये काफ़ी मशहूर ड्रामा है, आपको देखना चाहिए। इसके ज़्यादा एपिसोड है, इसके डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। पायूस आए, ये 2021 का ड्रामा है और ये मैंने खुद देखा है, ये काफ़ी अमेजिंग है, आपको देखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।